आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और घर पे इजी तरीके से कैसे बना सकते हैं आज हम जानेंगे। तो ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक छोटा सा बाउल लिया है, टब लिया है, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप ले सकते हो। तो अब हम इसमें 80 ml दूध ऐड करेंगे, छोटा कप ऐड कर लिया हम। तो छोटे कप दूध ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2 tablespoons चीनी, लेकिन 2 tablespoons चीनी ऐड करेंगे हम। तो इस चीनी को इस दूध में जो है हल्के से मिक्स कर लें, ताकि चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए। देखिए इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 spoon ड्राई ईस्ट। आप जितनी क्वांटिटी में बना रहे हो उसके हिसाब से ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको 1 spoon बना कर दिखा रही हूँ। और मैंने यहाँ पे ये देखिए 1 spoon ड्राई ईस्ट ऐड किया हुआ है। तो अब हम इस ड्राई ईस्ट को भी जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 2 से 3 minutes के लिए रेस्ट पे रखेंगे। देखिए इसे ऐसे ढक लें और 2 से 3 minutes के लिए रखें। चलिए 3-4 minutes हो चुके हैं। तो देखिए हमारी शुगर और ड्राई जो है अच्छे से हो चुके हैं। तो अब हम इसमें 2 cups आटा लेंगे। 2 cups यानी के 200 ग्राम के करीब मैंने आटा लिया हुआ है। कप के हिसाब से लेंगे तो आप 2 cups आटा लेंगे। तो अब हम इस आटे को इसमें डाल देंगे। आटे को आप छान कर लें, मैंने छान कर रखा हुआ था। तो इसमें हम 1/2 teaspoon नमक ऐड करेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। तरीके से जो है हमारे ईस्ट जो है अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। मिक्स करेंगे अच्छे से। देखिए इस तरीके से मिक्स कर लें। अब हम इसमें जितना ज़रूरत अनुसार जो है थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे। देखिए थोड़ा सा हम दूध ऐड करेंगे और मिक्स कर देंगे धीरे धीरे से। आप इस मिक्स करने के प्रोसेस में जो है पानी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसका टेस्ट जो है उतना टेक्सचर जो है अच्छा नहीं आएगा। तो इसमें आप जितना ज़्यादा हो सके उतना दूध की इस्तेमाल करें, यानी कि मिक्स करने के लिए जितना ज़रूरत है। तो तभी ये जो ब्रेड है हमें अच्छे से जो है टेस्टी बनेंगे। तो हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और जितना ज़रूरत अनुसार दूध है वो हम इसमें मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा डालकर मिक्स करेंगे। सारा दूध एक ही साथ डालने से जो है वो ढीला होने के जो चांसेस हो सकते हैं। तो इस तरीके से अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए आटे को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी ही मिक्स करें, ज़्यादा पतला भी ना करें और ज़्यादा घट भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से थोड़ा सा स्टिकी टिकी होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से मिक्स करें। अब हमने यानी ये हाथों पे लग रहा है इसलिए हम इसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो तेल की प्लेस में बटर भी ऐड कर सकते हो। तो थोड़ा सा बटर लगाएंगे और हम इस तरह से मिक्स करेंगे। तेल हमें सनफ्लावर तेल यानी कि कोई भी इस तरह फली का तेल इस तरह का तेल नहीं ऐड करना चाहिए। तो सनफ्लावर ऑयल इस तरीके से ऑयल जो है आप यूज़ कर सकते हो। तो थोड़ा सा मिक्स करने के लिए हमने तेल की मदद लिया है ताकि हमारे हाथों पे जो है ना चिपके। और जो ब्रेड बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ये है कि हमें आटे को जो है अच्छे से मिक्स करना है। जितने अच्छे से आप मिक्स करेंगे तभी उतना सॉफ्टली हमारा ब्रेड जो है बनेगा। तो हमें इसे 3 से 4 minutes के लिए अच्छे से मिक्स करना है। तो इसी तरीके से आप भी मिक्स करें। देखिए इस तरीके से मिलते हुए अच्छे से मिक्स करें आटे को। आप बटर लगाएं तो भी इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा बनेगा। आपके पास बटर नहीं है तो तेल भी ऐड कर सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा अब हाथों पे ना चिपके इसलिए थोड़ा थोड़ा तेल लगा लें और इस तरीके से अच्छे से आटे को मलें ताकि हमारा ब्रेड जो है वो अच्छे से सॉफ्टली बने। तो इस तरीके से मलते हुए जब आप आटे को जितना अच्छे से मलेंगे तभी हमारा ब्रेड जो है इतना सॉफ्टली बनेगा।
तो 5 से 6 मिनट के लिए हमारे आटे को जो है अच्छे से मिक्स करें। ये देखिए हमने आटे को जो है अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए मिक्स कर करके हमने बहुत ही सॉफ्ट बना लिया है इसको। तो अब हम इसमें ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल के प्लेस पे आप बटर भी ऐड कर सकते हो। और एक बात, हमने जो दूध ऐड किया था वो कुनकुना दूध था, ज़्यादा गर्म नहीं था। तो इस तरह पूरे सारे बॉल को जो है इस तरीके से लगाने। अब देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ जो है हमारे आटे को इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए गोल बॉल बन गए। अब हम इस बॉल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह अंदर की तरफ करते हुए अच्छे से रख लेंगे। ये देखिए इसे अब हम इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट पर रखेंगे ताकि हमारा आटा जो है अच्छे से फूल जाए। तो अब हम इसे 1.5 घंटे के लिए रेस्ट पर रखते हैं। चलिए 1 से 1.5 घंटा तक हो चुका है। तो अब हम निकाल कर देख लेते हैं। ये देखिए हमारा आटा जो है अच्छे से फूल चुका है। ये देखिए अच्छे से फूला हुआ है हमारा आटा। तो अब हम इसे फिर से एक बार इस तरीके से अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए 3 से 4 मिनट तक हमारे आटे को जो है इसी तरीके से हमें अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि हम जितना अच्छे से मिक्स करेंगे उतना ही सॉफ्टली हमारा ब्रेड बनेगा। इस तरीके से अच्छे से मिक्स करें। देखिए इस तरीके से मिक्स करें। हमने अच्छे से तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मिक्स किया हुआ है। तो अब हम फ्लोर पर जो है थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे। अब हम इसे ये इस तरीके से अच्छे से इसे बेलेंगे। ज़्यादा नहीं बेलेंगे। बेलना क्यों है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए ये हमारा बेकिंग ट्रे है। अगर आपको इस तरह का से घर में बेकिंग ट्रे अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप बनाना चाहते हो फिर भी ट्राई करना चाहते हो, तो मैं आपको इसका सिंपल से तरीका बताती हूँ। आप इस तरीके का, देखिए इस तरीके का, यानी कि लंबे मुंह का जैसा वो जो भी आपके घर में बर्तन अवेलेबल हो तो उसमें भी आप बना सकते हो। तो मैं आज आपको इस बेकिंग ट्रे के बदल इसमें बना कर दिखाती हूँ कि कैसा हमें घर पर जो सामान होते हैं उसी के साथ हम अच्छे से बना सकते हैं। तो अब हमें जो ये बर्तन है उस बर्तन के साइज़ का हमें आटे को इस तरीके से बनाना है। तो हम थोड़ा सा यहाँ से बेलेंगे पहले। ये देखिए इस तरीके से बेलेंगे। ये देखिए हमारा बर्तन जो है इसमें बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब हमें इस तरीके से बेलना है और हमारे आटे को जो है हमें इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से रोल करना है। ये देखिए इस तरीके से रोल करें। देखिए कोई भी इसमें क्रैक्स ना हो इस तरीके से उंगलियों को जो है, ये देखिए इस तरीके से आप आटे को जो है अच्छे से प्रेस कर लें, कोई भी क्रैक्स ना हो इसमें। ये देखिए इस तरीके से जो भी खुली जगह है उसे अच्छे से प्रेस कर लें। इस तरीके से देखिए सारे खुली जगह पे इस तरीके से। देखिए आटे को अच्छे से लपेट कर मैंने इसमें रख लिया है बजाय बेकिंग ट्रे के, क्योंकि मैं आपको इस तरीके से बताना चाहती थी कि इस तरीके बॉल में भी हम कुक कर सकते हैं। तो बेकिंग ट्रे में मैंने नहीं रखा, इस तरह के बॉल में रखा हुआ है। अगरचे आपके पास बेकिंग ट्रे नहीं है तो इस तरह के बर्तन में भी आप पका सकते हो, ये बताने के लिए। तो मैंने इस तरीके के बर्तन में जो है आटे को रख लिया है। अब इस आटे को हमें तकरीबन 1/2 घंटे के लिए रखेंगे कवर करके, ताकि आटा हमारा जो है और अच्छे से सॉफ्टली और फूल जाए। तो अब इसे हम 1/2 घंटे के लिए रेस्ट पर रखते हैं। देखिए मैंने 30 मिनट यानी कि 1/2 घंटा रेस्ट पर रख लिया है। तो हम देखते हैं, ये देखिए हमारा आटा जो है अच्छे से फूल चुका है। ये देखिए और इस तरीके से अच्छा सा फूल चुका है। तो अब हम इस पर थोड़ा सा दूध लगा लेंगे, ताकि जो हमारा बेक होने के बाद जो है कलर हमारा केक का बिल्कुल उसी तरीके से आए हमारा ब्रेड का, जैसे हम बाहर मोलते हैं। तो अभी हम इस पर थोड़ा सा दूध लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इससे हल्के से थोड़ा सा दूध लगा लेंगे, ताकि पकने के बाद जो है हमारा केक बहुत ही कलरफुल लगे। अब हम इसे ओवन में नहीं बल्कि इस तरीके से भगोने में पकाने वाले हैं।
इसे आपने थोड़ा सा प्री हीट कर लें पहले, बाद में इस तरीके का छोटा सा स्टैंड जो है इस पर रखें, जैसे मैं अभी आपको रख कर बताती हूँ। देखिए इस तरीके से रखें और गैस को ऑन करके थोड़े से हाई फ्लेम में आपको पहले इसे थोड़ा सा प्री हीट कर लें। देखिए हमारा बर्तन जो है प्री हीट हो चुका है थोड़ा सा, तो अब हम इस बर्तन में जो है हमारे इस बेकिंग ट्रे को जो है रखेंगे इस तरीके से। देखिए जो भी आप जिस में भी बर्तन में पकाएं इस तरीके से आपको गैप होना चाहिए। तो अब हम इसे पकाएंगे, मीडियम फ्लेम में पकाएंगे, ना ही हाई फ्लेम में और ना ही लो फ्लेम में। तो अब हमें इस बन को ब्रेड को जो है अब हम इसे 25 से 30 मिनट के लिए पकाएंगे, मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और 25-30 मिनट के बाद जो है हमारा ब्रेड जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। चलिए 15 मिनट हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ 15 मिनट के बाद हमारा केक जो है कितना बेक हुआ है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से फूला हुआ है और हल्का सा कलर आना हो इसमें स्टार्ट हो चुका है। तो ये सारा केक जो है इसमें हल्का पूरे तरीके से कलर आ जाए तब तक इसे हम बेक होने देंगे। हमने आधा घंटे का टाइम दिया था तो फिर सिर्फ 15 मिनट ही हुए हैं और 15 मिनट के लिए बेक होगा तो अच्छे से पक जाएगा। तो 15 मिनट के बाद हम आपको दिखाएंगे। मैंने बॉल से जो देखी से जो निकाल लिया है, मैं आपको इस तरह किस तरह से लपेट कर रखती हूँ वो भी दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे गीला कपड़ा को भिगो के कपड़ा ले लिया है। तो अब एक ब्रेड को जो है इस तरीके से मैं इस पर लिख लूँगी। ये अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो अवन में पकाएंगे तो आपको इसकी शेप जो है वो बहुत ही अच्छी आएगी। तो मैंने आपको बॉल में छोटे से खोटे में बनाकर दिखाया था तो इसकी शेप ज़्यादा ग्रेटफुल नहीं है, लेकिन आप इस कोरोना के टाइम में इस माहौल में जो है अगर आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं है तो इस सिंपल की चीज़ों के साथ ही आप अच्छे से बना सकते हो। तो इसलिए मैंने ये वीडियो इस तरह से बना कर आपको दिखाया। ये देखिए मैंने ब्रेड को जो है इस तरीके से गीले कपड़े में जो है लपेट लिया है ताकि इसमें की सारी गर्माहट निकल जाए। अब हम इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए रखेंगे ताकि ये सारा जो गर्म है वो निकल जाए और अच्छे से हम सॉफ्टली बन जाए। देखिए बहुत ही ज़्यादा गर्म है अभी, 20 मिनट से तक हो चुके हैं तकरीबन। मैं अभी आपको काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए और इसका कलर जो है इतना अच्छा आया है, जैसे हम देखिए नीचे की तरफ भी कितने अच्छे से कलर आ चुका है और ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ है हमारा ब्रेड। तो मैं अभी आपको इसे काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप ब्रेड को जो है काटें, देखिए इस तरीके से नोकेली चाकू का इस्तेमाल करें, साफ चाकू का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तो मैं अभी आपको इस ब्रेड को कट कर बताती हूँ कि हमारा ब्रेड जो है कितना अच्छे तरीके से बना हुआ है। तो मैं इसे फ्लोर पर रखूँगी और मैं देखिए मैंने ब्रेड को कट कर लिया है। हमारा ब्रेड जो है कितना अच्छे तरीके से बना हुआ है, कितना ये देखिए कितना सॉफ्टली बना हुआ है। ये देखिए वाओ, जैसे बिल्कुल हम बाहर ख़रीद कर आते हैं बिल्कुल उसी तरीके का ब्रेड जो है हमने बनाया है। तो इस सीज़न में जो यानी कि इस माहौल में अगर आपके पास कुछ सामान अवेलेबल नहीं है, जैसे कि बेकिंग ट्रे नहीं है, आपके पास अवन नहीं है, फिर भी आपको कोई फिक्र की बात नहीं है, तो जाके बाहर से यानी कि वॉल स्टॉक ख़रीद कर हम यूज़ करें, इससे तो बहुत ही ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। मैंने आपको जिस तरीके के पतीले में बना कर दिखाया था उस तरीके से आप भी बनाए। ये देखिए कितने अच्छी तरीके से बना हुआ है हमारा ब्रेड, मैं आपको दबा कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना स्पंजी बना हुआ है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, कॉमेंट करें। थैंक यू।